और टीवी 9 भारतवर्ष पर जो बाइडेन की शपथ ग्रहण का बड़ा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं और यहाँ मेरे साथ जो स्क्रीन है इस पर आप समय भी देख रहे हैं, डेढ़ घंटा, अब सिर्फ एक घंटा बचा है, 1 घंटा 30 मिनट, जिसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले कमला हैरिस शपथ लेंगे और उसके बाद जो बाइडेन शपथ लेंगे। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा लगभग 1.5 घंटे के बाद। टीवी 9 भारतवर्ष पर इसकी बड़ी कवरेज, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति की शपथ से ठीक पहले जो बाइडेन का एक ट्वीट सामने आया है, आज अमेरिका का एक नया दिन है, अमेरिका के लिए एक नया दिन है, ये कहना है जो बाइडेन का। जो बाइडेन ने ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से ठीक पहले ट्वीट किया है। और इसके अलावा बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है जो बाइडेन को। उन्होंने कहा है कि मेरे दोस्त बाइडेन को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइडेन तुम्हारा टाइम आ गया, बाइडेन तुम्हारा वक्त आ गया, ये कहना है बराक ओबामा का। तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुभकामनाएं भी दी और कहा कि समय आ गया है जो बाइडेन का। जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि एक नया दिन है ये अमेरिका के लिए, अमेरिका के इतिहास में जिस तरह से उनका कार्यकाल अब शुरू हो रहा है। जो बाइडेन अब से 1.5 घंटे के बाद शपथ ग्रहण करेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर। उनसे पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शपथ लेंगी, लेकिन वो क्या है अहम बिंदु जिन पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित करेंगे जो बाइडेन, इसकी भी हम लगातार बात कर रहे हैं। जो बाइडेन के लिए वो कौन सी चुनौतियां हैं जो उनके सामने होंगी, हमारे साथ मेहमान सभी जुड़े हुए जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जीवन रुचि मौजूद हैं। जीवन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने सुना अभी कुछ देर पहले पूर्णिमा को भी, और कौन सी चुनौतियां हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले कोरोना का पैंडेमिक, चीन, ये तमाम जो चुनौतियां हैं इनसे जो बाइडेन किस तरह से निपटेंगे, क्या एक मुश्किल कार्यकाल होने वाला है जो बाइडेन का? देखिए, जो बाइडेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आज बहुत खुशी का दिन है, और बिफोर मैं आपका जवाब दूं, अभी एक महिला जो कुछ कह रही थी अबाउट कमला हैरिस, तो दिल को काफ़ी चोट पहुंच गई, क्योंकि कमला हैरिस यू नो पहली इंडियन है, शी इज़ हाफ इंडियन, लेकिन पहली इंडियन जो कि वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर आ गई है। और बहुत दुख होता है कि जब कुछ हमारे इंडो अमेरिकन ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कमला हैरिस लेफ्टिस्ट है, यू नो वो है, ये है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं ये लोग कि पहली बार इस मुल्क में, अमेरिका में जी, पहली बार एक महिला, और वो भी यू नो कमला देवी हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हमारी होंगी। 50 साल पहले जब मैं इस कंट्री में आया था तो लोगों को पता भी नहीं था कि इंडिया कहाँ है, हमें स्नेक चार्मर्स कहते थे, वो कहते थे कि भाई तुम्हारी तुम्हारी कंट्री में तो स्नेक्स और स्नेक चार्मर होते हैं। और आज इसी कंट्री में हमारी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, तो इस बात पर मुझे थोड़ा खेद हुआ, दुख हुआ। तो लेकिन आप कह रहे थे कि बाइडेन के जो चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस तो देखिए सामने हैं, COVID-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि बाइडेन एक बहुत स्टेबल आदमी है, वो कियोटिक प्रेसिडेंट नहीं है जैसे ट्रंप था। ट्रंप ने देखिए कितना कुछ बुरा किया इस कंट्री के लिए, सबसे बड़ा वो हमारा रेस इश्यूज, इमिग्रेंट्स के लिए कितना इन्होंने यू नो बहुत ही काफ़ी बुरा किया। और अभी जो January 6 को हुआ, जो इंसरेक्शन बिल्कुल इनसाइट हुआ, वो भी एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड है। और ट्रंप के जाने से आई थिंक बहुत ही अच्छी बातें होंगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि बाइडेन हैंडल करेंगे कंट्री को बहुत अच्छी तरह से। और जो बाइडेन भी बहुत होपफुल हैं, जो बाइडेन को भी बहुत उम्मीद है कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत से इरादों के साथ, बहुत पुख्ता इरादों के साथ वो पहुंच रहे हैं अपने पद को ग्रहण करने के लिए। लेकिन हम साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ओबामा और मिशेल ओबामा पहुंचे हैं शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए। ये तस्वीरें क्योंकि अब आना शुरू हो गई हैं और कुछ समय बाद ये पूरी जो सेरेमनी है, जो कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत होगी। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, अगर मनीष आप हमें बता पाएं अभी, क्योंकि अब जो सेरेमनी है उसकी शुरुआत होने वाली, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले इस वक्त हम बैंड देख रहे हैं जो प्ले किया जा रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए कैपिटल हिल पर अब जो औपचारिक समारोह है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। उससे पहले जो तमाम अतिथिगण हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अगर आप कंपेयर करें, जब बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली थी और प्रेसिडेंट ओबामा तब थे, तब 2 लाख से अधिक लोग उसी कैपिटल हिल के सामने में मौजूद थे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है, आज संगीनों के साए में शपथ ग्रहण हो रहा है। आज कैपिटल हिल के चारों तरफ आपको केवल नेशनल गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी जनता नहीं दिखाई दे रही है। और कैपिटल के गुम्बद पर जो अभी स्टेचू ऑफ फ्रीडम है उससे भी महसूस हो रहा है कि आज फ्रीडम पर कितनी बंदिशें हैं। लेकिन इसके बावजूद शपथ ग्रहण होना है और कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 1 घंटे 25 मिनट और बचे हैं उस शपथ ग्रहण के। उससे पहले गणमान्य अतिथियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उसमें सभी जो जीवित पूर्व राष्ट्रपति हैं वो आएंगे, इसके अलावा प्रेजेंट जो कैबिनेट हैं उसके लोग आएंगे, और इनकी टीम के, बाइडेन की टीम के लोग आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेज आएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन नहीं आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए वो कौन कौन से मेहमान हैं जो पहुंच रहे हैं। हिलरी क्लिंटन पहुंची हैं, बराक ओबामा पहुंचे हैं कुछ देर पहले, मिशेल ओबामा पहुंची हैं उनके साथ, और हिलरी क्लिंटन के पहुंचने की तस्वीरें भी पहुंचे हैं। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, ये दोनों भी मेहमान पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सुरेंद्र कुमार जी, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते ये भी एक अलग तरह का इतिहास रच गए हैं अमेरिका के लिए। देखिए वहाँ नहीं होंगे ये तो सभी को पता था, उन्होंने कई दिन पहले कह दिया था वहाँ नहीं होंगे। पर मैं जहाँ पहले परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूँगा कि आप बात कर रही थी कि बाइडेन साहब के लिए क्या प्रायोरिटीज होंगी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो आपने एक सहयोगी ने कहा था कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आपका हीलिंग एंड डिविजन नेशन में, पर उससे बड़ी चुनौती है कोविड। 4 लाख लोग मर चुके हैं, अभी और मर रहे हैं। अपनी साख को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह साख करने के लिए बाइडेन साहब को कोविड को कंट्रोल करने में सक्सेस करना बहुत जरूरी है, और नहीं केवल अमेरिका के लिए नहीं, कोविड के लिए बाहर के देशों की सहायता करें। हमारे हिंदुस्तान का देखिए, हम 165 लोगों को जो है हम कोविड की सहायता कर रहे हैं। अमेरिका जो सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली देश है, उसका बाहर के लोगों को कोविड के कंट्रोल करने में सहायता करने का क्या कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं। तो बाइडेन साहब को करना चाहिए। दूसरा चीन की बात कर, चीन की बात आएगी, पर देखिए सबसे बड़ी बात है बाइडेन साहब अपने दोस्तों के साथ पुराने रिश्ते फिर से शुरू करने। यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा आ ही रहा है, यूरोपियन यूनियन के रिश्ते जो है ट्रंप के जमाने में ठीक नहीं रहे, इनके पड़ोसी मेक्सिको कनाडा है उनके रिश्ते ठीक नहीं, तो उनके लिए सबसे बड़ा उन्होंने कह रहा है क्लाइमेट चेंज ज्वाइन करें ठीक है, WHO ज्वाइन करेंगे ठीक है, अपने जो हमारे अलाइज हैं उनके यूरोपियन हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते होंगे। अभी G7 की मीटिंग होने वाली मई में है, वहाँ पहली बार बाइडेन साहब G7 के लीडर से मिलेंगे, हमारे प्रधानमंत्री आएंगे उनसे भी मिलेंगे, तो उनके बाहर के बाद पर उनको बाहर से ज्यादा अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हीलिंग, मतलब एक और हीलिंग के साथ कोविड को कंट्रोल कर, कोविड को अपना कंट्रोल। बड़ी बात आप कह रहे हैं सुरेंद्र जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत से हैं, फॉरेन पॉलिसी जरूर अहम मुद्दा है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।